Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my glass. Boy, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad. Oh yeah. इसके पास एसस का रॉक सीरीज का लैपटॉप है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं आवाज़ जा रही होगी नहीं जा रही होगी, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसमें इसको कुछ ना फैन वगैरह नहीं चल रहा, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए नेहरू प्लेस पे। उसके अलावा कुछ है अभी, तब तक हम बस ऐसे बैठे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और कुछ बताना है? हाय हाय, नहीं कंटिन्यू बता दिया मैंने। लैपटॉप के आर गुड, बट यस यू कैन फेस ट्रबल आफ्टर सम टाइम, तो बी प्रिपेयर्ड। मतलब किसी ऐसी दिल्ली विल्ली टाइप की जगह पे रहते हो तो सही नहीं, और जहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है तो आप परेशान हो सकते हैं। ये मेरे को एक शोरूम से दूसरे शोरूम में घुमाता हुआ फिर रहा है, कभी इसमें लेके जा रहा है, कभी इसमें लेके जा रहा है। इसे काम ही पूरे नहीं हो रहे। मेरे पास भी कुछ और काम है नहीं, तो मैं भी घूम ही रहा हूँ। पहले हम इसमें थे, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, ये अब इसी में, इसके साइड में ये इनका शोरूम है जहाँ ये बेचते हैं। तो अब यहाँ भी देखेंगे क्या है, कौन सी सीरीज़ वगैरह से लेनी है। इसे कुछ सर्विसिंग वगैरह भी करानी है अपनी, तो इसलिए आए। तो अगर आप में से भी किसी को भी सर्विसिंग करवानी है एसस वगैरह के लैपटॉप की, तो यहाँ पे इनका ये जो भी कहते हैं वो डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ये शोकेस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, गेमिंग चेयर वगैरह रखी हुई है, ताकि आप एक्सपीरियंस ले लो कि आप लेने के बाद कैसा रहेगा। और नहीं तो साइड में भी इनका ये सर्विस सेंटर का ही टाइप है, करवानी हो अगर तो ले आना। ये वाला वो है जिसके अंदर आप अंदर जाके मतलब सर्विस वाले हैं, यहाँ बैठते हैं जो सर्विस करेंगे, बाकी ये रिपब्लिक ऑफ गेमर्स है। यहाँ पे ये आपको अंदर वो दिखा देंगे कि कैसा है एक्सपीरियंस टाइप। तो हम स्टार्टिंग में यहीं बैठे थे। तेरा काम हो गया? काम तो नहीं हुआ है, इधर उधर घुमाते रहते हैं लोग, पर लेट मी ट्राई ठीक करा। पर पहले उसमें लैपटॉप लिया है क्यों था, गेमिंग लैपटॉप? पीसी ले था मेरे को, बेसिकली पीसी में पोर्टेबिलिटी की दिक्कत आती है कि मेरे को अगर कहीं जाना है तो मैं कैसे लेके जाऊँ, मेरे को काम करना है। और आजकल पीसी वही लोग यूज़ करते हैं जो ऑफिस वगैरह में है, बट आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, तो मेरे को अपने हर पर्सपेक्टिव से सोच के लेना था। और मेरे को हाई एंड ग्राफिक्स पे, मेरे ग्राफिक्स प्रोसेसर चाहिए थे सिमुलेशंस वगैरह रन करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो उसके लिए चाहिए होता है। वो तो सर भी बता सकते हैं। अरे भाई सर क्या कर रखा है, ये जॉब करते हैं इनको। पहले इसने लैपटॉप लिया वाला, अभी 1500-2000 की सर्विसिंग कराया, सिर्फ सर्विसिंग मतलब साफ सफाई वगैरह। E470 देख लेना भाई, जो लोग पीसी लेते हैं पीसी ले लो, मेरे को पीसी पसंद है। लैपटॉप लैपटॉप में बहुत दिक्कतें आती है, मैं भी, मेरे को अपनी लैपटॉप की सर्विसिंग करनी पड़ती है, इसकी बहुत महंगी पड़ती है, मेरी सस्ती पड़ जाती है। इसकी 2000 की सिर्फ सर्विसिंग हो रही है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है मेरा, नॉर्मल है
मतलब कंट्रीब्यूशन हाई है लेकिन ऐसे फैन को नहीं लगेगा गेमिंग वाले की तरह, तो ठीक है पीसी ज़्यादा बेटर रहता है। ये वाले कितने के भैया? 450। Show me your love, leave me breathless, breathless. बता भाई 50-60 रुपए में तुझे कहाँ मिल रहे हैं ईयरफोन्स? 50-60 रुपए में आपको वो मिल जाएंगे जो मतलब आप सीधा अपने फोन में, हाँ मतलब बर्ड्स में नहीं, आपको ब्लूटूथ वाले नहीं मिलेंगे, ब्लूटूथ वाले नेगोशिएट करने पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नेगोशिएट करोगे आपको 350 के आसपास मिल जाएंगे। 50-60 रुपए में आपको आराम से वो लीड वाली मिल जाएंगी, ठीक ठाक क्वालिटी की जो चल जाएंगी एक दो महीने आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे नहीं मिला यहाँ कुछ भी 50-60 रुपये में, 200 रुपये भी नहीं मान रहे हो। 50-60 रुपये में वो दिलवाऊँ? वो मुझे ऑनलाइन मिल जाएगी, मैंने ऑर्डर कर रखी है 70 रुपीज़ की, बिल है मेरे पास, उससे भी सस्ती मिल जाएगी, 20-30 रुपये वाली भी मिल जाएगी। वो पर जो हमने बात डिस्कस की थी वो तो नहीं मिल रहा, वो तो दिख भी नहीं रहा, और जो दिख रहा है वो भी 250 से नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब वो बात तो भाई ऐसी है। पर तुझे जो पसंद आया तुझे लेना तो बता, देखते हैं। अभी अभी हमने कैनन की प्रिंटर E470 की कार्ट्रिज खरीदी है, ओरिजिनल ब्रांडेड एकदम, कोई डुप्लीकेट नहीं, कोई फर्स्ट कॉपी नहीं, एकदम बढ़िया। ये हमने एक होलसेल शॉप से खरीदी है, नेहरू प्लेस में आपको बहुत मिल जाएंगे। इसका ओरिजिनल प्राइस अराउंड 700 या 650 के आसपास मिलेगी, डिपेंड ऑन डिफरेंट साइट्स। हमने ये लिए अराउंड 530 की, तो ऑब्वियसली होलसेल का थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला है, और बाकी बताएंगे। अभी तक सिर्फ हमें यही फ़ायदा मिला है पूरे नेहरू प्लेस में घूमने पे, क्योंकि ये होलसेल से हमने कार्ट्रिज लिए, बस इसमें फ़ायदा मिला है, बाकी ना ईयरबड्स वगैरह कुछ है, और यहाँ पे बस लैपटॉप रिपेयरिंग और उसका रीसेलिंग का काम है। यहाँ पे आप अगर बैग के साथ आ रहे, से मैं आया हूँ तो आपको दूर से बुला लेंगे, सर लैपटॉप रिपेयर करा लो या बेच रहे हो तो बताओ, ये सिस्टम है। तो होलसेल अगर आप यहाँ पे लेते हो तो उसमें फ़ायदा है, उसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, तो हमने ये लिया। लास्ट टाइम जब हम नेहरू प्लेस में आए थे तब हमारा ऑब्जेक्टिव अलग था, तब हमें सॉफ्टवेयर चाहिए थे, गेम्स चाहिए थे, मतलब 3-4 साल पहले जब आए थे, क्योंकि गेम्स हैवी हैवी थे, हमें GTA 5 चाहिए था, उसके लिए आए थे हम। गेम ले लिया पर चला नहीं था, दो तीन विजिट लगी थी हमारी, क्योंकि हमें जो गेम लिया था CD ली थी वो काम नहीं कर रही थी, फिर दोबारा आए तो वो तो हमें ट्रिप बेकार ही थी। लेकिन अब जब हम आए तो वैसे घूमने के हिसाब से आए थे, बस कार्ट्रिज ले ही। तो अभी कहाँ चलना है? अभी वो लेते हैं फोन, एक मिनट, तो बस एक फ़ोटो ले रही है, अच्छी है। अच्छा, तो अभी हम ईयरफोन लेने जा रहे हैं, जो स्टार्टिंग में जिस भाई से बात की थी उससे ईयरफोन ले लेते हैं। तो बहुत देर ढूंढने के बाद, बहुत सारे एक्सप्लोर करने के बाद, एक जगह इसको पसंद आया ईयरफोन्स, तो वहाँ से इसने बोट के ईयरफोन्स लिए हैं। दिखा दो भाई, फुल बॉक्स सब कुछ, ये मिले हमें 500 के, ऑनलाइन 1200 के। हाँ, तो प्राइस तो उन्होंने 700 बोला था, 600 पे ये चल दिया 500 का बोल के, तो उन्होंने कहा ठीक है ले जा 500 पे, तो 500 में इसने ले लिए। तो अब इसने ट्राई किए उसके बाद अच्छे लगे, बाकी रिव्यू तो यूज़ करने के पता चलेगा कितना टाइम चलेगा कितना नहीं चलेगा, पर जहाँ तक ये जेन्युइन लग रहे थे, हो सकता है फर्स्ट कॉपी हो, पर ले लिए ठीक है, बढ़िया है। अभी हम जाएंगे खाना खाने, जो बताया था दिखाया था एपिक्यूरिया, वहाँ जाएंगे, पहले वहाँ खाएंगे, फिर दोबारा मेट्रो पकड़ेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर पार्किंग से कार लेंगे, फिर ठीक है। तो फूड कोर्ट ही जाएंगे, पहले ऊपर देख लेते हैं ना, फिर नीचे जाते हैं। कहाँ घो रहा है भाई? वो देख रहा हूँ स्विगी
स्विगी इंस्टामार्ट क्या है? सामान देते हैं अभी है। अच्छा। नमक कहेगा नमक भी ला के देंगे वो है। ये बिजनेस स्ट्रेटजी इन्होंने दी होगी सामने जो बैठे। हाँ। वही तो भी हमने थोड़े मुर्गे लिए हैं पके हुए लाल हुए हुए मसाले के लिए। और मैंने एक वेज बर्गर लिया है KFC। हाँ। से प्लीज़ मुझे डिसलाइक मत करना इस वीडियो को ये बात सुन के। बहुत घूमने के बाद हम एपिक्यूरिया पहुँचे। नेहरू प्लेस सामने है यहाँ पे, उससे घूम घामे अब हम यहाँ पहुँचे। एपिक्यूरिया भी हमने घूम लिया, जितनी बहुत वीडियो ली वो भी ले ली। अब इसके बाद यहाँ खा रहे हैं। खाने में सिर्फ KFC ठीक लगा है, बाकी तो ब्रांड वगैरह कुछ ट्राई करने का मूड नहीं है, इसलिए सिर्फ KFC का सामान लिया। अब यहाँ से खाएंगे, ऊपर ही यहाँ पे फिर मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो पकड़ेंगे, घर जाएंगे, कार जाएंगे, फिर घर जाएंगे। बस आज का दिन हो गया हमारा आज। इसके लिए सामान हमने दो ही लिए, अभी और तो कुछ लेना नहीं है। और इसके बाद अब कल से मेरी ट्रिप स्टार्ट हो रही है पूना के लिए, तो उसकी तैयारी करेंगे अभी। इसके बाद मेट्रो का देखेंगे। अब हम हमारे ही मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए हैं जहां से सुबह स्टार्ट किया था। अब बस यहां से पार्किंग में जाएंगे, फिर कार लेंगे। एक दो काम हो रहा है बीच में करने के, वो करके फिर उसके बाद घर जाएंगे। पहले कार घर जाके पार्क कर देंगे, फिर जाके वो सामान ले लेंगे, थोड़ा बहुत सामान लेना है, और फिर बस हो गया आज का दिन। ओके बाय, सी यू। हल्दी हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन ठंड बहुत है इस टाइम, ठंड काफ़ी है, धुंध सी हो रही है, हल्की हल्की, कोहरा तो नहीं है पर धुंध है। अकेली खड़ी है बस, इस साइड से तो बिल्कुल खाली हो गया सब। सामान भी हमने सारा ले लिया है, कार भी हमने पार्क कर दी है, घर पहुंच गए। तो हमारा आज का दिन तो यही कंप्लीट होता है, तो इसके साथ ये लोग भी यही होगा। इसके बाद लेकिन जो ट्रिप वगैरह रहेगी वो आगे वाले लोग से स्टार्ट होगी। So that's all for today. Bye. Okay. It was nice fun. Bye-bye. Bye.